गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आपने चैप्टर की रीडिंग की होगी। आवर क्लॉथ्स मैंने आपको रीडिंग भी बताई थी इसमें और समझाया था आपको, ठीक है। ये क्लॉथ्स के बारे में मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड करके बताया था, ठीक है। आपने भी रीड किया होगा घर पे, रीडिंग करनी है सारे बच्चों को। मैंने बोला है पहले भी कि सारे बच्चों को अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, ओके। आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर होमवर्क में आपको करने हैं। और अभी हम इसको क्या करेंगे, बुक में जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, ओके। सबसे पहले देखिए, ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही होगा उसमें हम टिक करेंगे, ओके। इन विच सीजन डू वी यूज रेनकोट, ओके। वो कौन सा सीजन है जिसमें हम रेनकोट यूज करते हैं, विंटर नो, समर नो, रेनी, ओके। रेनी सीजन में हम रेनकोट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम राइट लगा देंगे, ओके, करेक्ट कर देंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ क्लॉथ्स कीप अस वार्म, ठीक है। कौन से क्लॉथ्स हैं जो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, कॉटन क्लॉथ्स नो, सिल्की क्लॉथ्स नो, वूलन क्लॉथ्स ओके, राइट, करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ क्लॉथ्स कीप अस कूल, वो कौन से क्लॉथ्स हैं जो हमें कूल रखते हैं, सिल्की क्लॉथ्स नो, कॉटन क्लॉथ्स यस, करेक्ट ऑप्शन, कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स नो, ओके। सेकंड नंबर, टिक द करेक्ट वर्ड, ठीक है। टू वर्ड्स दिए हैं ऑप्शनल में, जो भी आपको करेक्ट है उसमें आपको जो सही वर्ड है वो आपको उसमें टिक लगाना है, जो भी करेक्ट वर्ड है उसमें आपको टिक करना है, इस तरीके से राइट का टिक लगाना है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट हैवी, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो लाइट होते हैं या हैवी होते हैं, सबको पता है कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट मीन्स हल्के, ओके। तो हमने ये लाइट है तो यहाँ पर टिक कर दिया राइट का। द हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ शीप, जो बॉडी जो शीप होती है उसकी बॉडी से जो हेयर मिलते हैं वो क्या होते हैं, वूल होता है या खादी होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वूल, ओके। इसी तरीके से वूलन क्लॉथ्स कीप अस कोल्ड और वार्म, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं या वार्म होते हैं, वूलन क्लॉथ मीन्स ऊनी कपड़े, तो हमें पता है कि वो कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, ओके। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स, ओके।